तो गाइज़ कुछ समय पहले मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट की थी, जिसमें से आप में से मोस्टली लोगों के जो आंसर्स थे वो थे कि भैया 18 प्लस मूवीज़ पे एक्सप्लेनेशन लाइए। तो आज मैं एक्सप्लेनेशन एक 18 प्लस मूवी के ऊपर ही है, जो कि आपको एंड तक बोर बिल्कुल नहीं होने देगी, क्योंकि इसके अंदर इंटीमेट सीन्स भर भर के डाले गए हैं। और साथ ही साथ हम लोग आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं कि क्या होता है जब आप लोग बिना गुब्बारा पहने इंटीमेट होते हो। तो दोस्तों आज की मूवी में हम लोग कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना वीडियो के, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइज मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग बैन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसने अपने घर पे पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और अपने दोस्तों के साथ अपने घर पे पूल पार्टी में मज़े ले रहा था। ये लोग एक फन पार्क में भी जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग एलिसन नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी बहन के साथ और अपने जीजा के साथ रह रही थी। यहाँ में पता पड़ता है कि एलिसन एक न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में काम करती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसे बॉस के पास ले जाती है और बॉस उसका प्रमोशन कर देते हैं। अपने प्रमोशन की खबर सुनकर जो एलिसन थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, पर बॉस के कुछ डिमांड्स थी कि एलिसन को और खूबसूरत होना पड़ेगा। एलिसन उनकी इस डिमांड को मान लेती है और वो घर जाके ये बात अपनी सिस्टर को बताती है। जैसे वो बात अपने सिस्टर को बताती है, वो दोनों इतनी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए वो उस नाइट एक क्लब में जाती है। क्लब के अंदर एलिसन की मुलाकात यहाँ पर बैन से होती है। बैन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसके साथ ड्रिंक करने की कोशिश करता है, पर एलिसन उसे ज़्यादा कुछ भाव देती नहीं है। वैसे तो एलिसन को भी बैन पसंद आ रहा था और बैन को भी एलिसन पसंद आ रही थी, पर ये दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं बैन अपने फ्रेंड माइकल के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें सामने वो लड़की दिख रही है, मैं उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मेरे से पट नहीं रही। तब एलिसन उसे लड़की पटाने के कुछ आइडियाज़ देता है और हम देखते हैं ये लोग उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एलिसन और उसके सिस्टर के पास चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बैन तो एलिसन को पटाने की कोशिश कर रहा था और माइकल एलिसन की सिस्टर को, पर यहाँ पर एलिसन उसे बताती है कि मेरी सिस्टर मैरिड है और उसको एक बच्ची भी है। तभी हम लोग देखते हैं एलिसन की सिस्टर को एक कॉल आता है उसके घर से और उसे जाना होता है। वो एलिसन से पूछते कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी, तो वो मना कर देती है और बैन के साथ सेलिब्रेट करती है। हम लोग देखते हैं ये लोग दारू बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और साथ में किस करने लगते हैं और घर जाके इंटीमेट करते हैं। ये लोग इंटीमेट करने की इतनी ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं कि ये लोग यहाँ पर प्रोटेक्शन पहनना भूल जाते हैं, पर ये लोग फिर भी इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं एलिसन और बैन एक कैफ़े में मिलते हैं, जहाँ पर एलिसन बैन को बताती है कि क्या तुमने लेट नाइट प्रोटेक्शन पहनी थी। तो बैन कहता है कि मैं प्रोटेक्शन पहनना भूल गया था, और मैं भूलता भी क्यों, क्योंकि तुमने इंटीमेट होने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करी थी कि मेरे पे भी रुका नहीं गया और मैं प्रोटेक्शन पहनना भूल गया। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं एलिसन एक न्यूज़ एंकर होती है, उसकी प्रमोशन हो चुका था, पर वो बीच बीच में उल्टियाँ करने लगती हैं। वो इस बात को अपनी सिस्टर को आके बताती है और ये लोग इस बात को श्योर करने के लिए एक सुपरमार्केट से बहुत सारे प्रेगनेंसी चेक किट लाते हैं। अब ये लोग वहाँ पर चेक करते हैं तो सारी किट्स में जो रिज़ल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर एलिसन बैन से मिलती है और बैन उससे फिर भी उसी की गलती बताता है, यानी कि बैन अपनी गलती नहीं मानता, पर बैन अपनी गलती माने भी क्यों, क्योंकि एलिसन ने इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करी थी। अब एलिसन क्या करती है कि वो थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगती है बैन के जो जस्टिफिकेशन थी कि ये सब मेरी गलती नहीं है तुम्हारी गलती है, तो इस बात को सुनकर जो एलिसन थी वो बैन से चढ़ने लगी थी। अब ये लोग अगले दिन हम देखते हैं एक अपना MRI करवाने जाते हैं, यानी कि सिटी स्कैन MRI जो भी होता है, वैसे मुझे तो नहीं पता पर आप लोग समझ गए ना। हम देखते हैं कि ये लोग सिटी स्कैन करवाने जाते हैं और वहाँ पर पता पड़ता है कि जो एलिसन है उसके वॉम्ब में एक बेबी है। अब भाई हम लोग देखते हैं कि ये दोनों पड़ जाते हैं दुविधा में, क्योंकि दुनिया जो थी वो नहीं चाहती थी कि इनका बच्चा जो है वो लाइफ में आए, क्योंकि इन लोगों की अभी शादी भी नहीं हुई थी और शादी से पहले ही एलिसन को बच्चा होने वाला था, पर एलिसन ऐसा नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए। तो हम लोग देखते हैं एक रात को एलिसन बैन के पास आती है और वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं अपने होने वाले बच्चे के लिए, जहाँ पर बैन उस बच्चे के लिए कुछ बुक्स खरीदता है, जिससे कि वो जान सके कि एक बच्चे को कैसे कैसे पालना है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। अब एक दिन हम लोग देखते हैं ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर इनके बच्चे की जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। हम लोग देखते हैं ये बात सुनने के बाद ये लोग फिर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और अपने बच्चे के लिए जो जो नेसेसरी किट्स होती हैं, आइटम्स होते हैं, वो लोग खरीद के लाते हैं। हम देखते हैं कि उसी रात जो बैन होता है वो एलिसन को प्रपोज करता है शादी के लिए और एक खाली रिंग का डब्बा लेकर आता है, जिसे देखकर एलिसन कहती है कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। तो बैन भी उससे कह रहा है कि मैं भी कोई मजाक तुमसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी कोई जॉब नहीं लगी है, तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझे शादी कर लो और जब मेरी जॉब लग जाए, मेरे पास पैसे आ जाएँ, तो जैसी रिंग तुम कहोगी वैसी रिंग मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अब ये बात सुनकर एलिसन उसे शादी के लिए इनकार कर देती है। अब एक दिन हम लोग देखते हैं बैन और एलिसन की फैमिली एक रेस्टोरेंट में आती है एक डिनर करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं ये लोग घर आके इनकी बैन और एलिसन बहुत ही ज़्यादा जोर से इंटीमेट हो रहे थे, पर बैन को इंटीमेट होते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि बच्चे को कुछ ना हो जाए। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं एलिसन और बैन को, जो कि एलिसन की कार में जाते हैं घूमने के लिए।
हम यहाँ पर देखते हैं भाई कार तो थी एलिसन की, और उसे हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐंठ थी अपनी कार को लेकर। तो वो क्या करते हैं, वो बेन से झगड़ा करने की कोशिश करती है और बेन को अपनी कार से उतारने की कोशिश करती है। वो बेन को एक नीचा फील करवाती है कि तुम्हारे तो जॉब भी नहीं है और ना तो मेरे लिए एक रिंग ला सके। तो ये बात सुनकर बेन भी नाराज़ हो जाता है और एलिसन की कार से उतर जाता है। और उसी रात एक कमाल और होता है कि एलिसन की जो सिस्टर होती है उसकी उसके हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है। अब उसी दिन जो एलिसन का जो जीजा होता है वो बेन के साथ बैठा होता है रेस्टोरेंट में, और ये लोग अपनी अपनी वाली को लेकर बातें कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग लॉस एंजलिस जाते हैं इंटीमेट होने के लिए ताकि दूसरी लड़कियों से मज़े ले सकें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बेन होता है वो यहाँ पर एलिसन के घर पर जाता है। वहाँ पर उसे एलिसन की भतीजी मिलती है जो कि उससे कहती है कि सब लोग बाहर घूमने के लिए गए हैं, पर तभी वहाँ पर अंदर से एलिसन आ जाती है और उसे उसके घर से भगा देती है। तो हम देखते हैं ये बात को जो सोच सोच कर बेन था वो परेशान हो जाता है और एक जॉब को ढूंढ लेता है फाइनली, और वो अपने लिए घर भी ढूंढ लेता है। साथ ही साथ वो बच्चे को कैसे पैदा करें या फिर उसके जो पेरेंटिंग है वो कैसे करें वो बुक्स भी पढ़ता था ताकि वो फ्यूचर में उसके काम आए। अब एक दिन हम लोग देखते हैं एलिसन की सिस्टर और उसका हस्बैंड एक पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, और एलिसन घर में अकेली थी। वो डॉक्टर को कॉल लगाती है पर डॉक्टर भी एक पार्टी में थे, वो घर पर नहीं थे, और उनको 3 दिन लगते हैं वापस आने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर एलिसन को लेबर पेन होने लगता है, तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और एलिसन को अपनी बुक्स में से पढ़े हुए कुछ यूज़फुल मेथड्स बताता है जिससे कि उसका जो पेन है वो कम हो जाए। जिसे सुनकर जो एलिसन होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि जो बेन है वो उसके लिए एफर्ट्स कर रहा है। हम लोग अब बेन को देखते हैं जो कि डॉक्टर को कॉल मिलाता है, और उसी डॉक्टर पे कॉल मिलाता है जिससे इन्होंने कंसल्टेंसी ली थी, जिसको इन्होंने बुक किया था, और वो डॉक्टर इन्हें बिना बताए बाहर चला गया था। तो यहाँ पर बेन उसे धड़ धड़ की गालियाँ सुनाता है कि गाली देना उसका बनता भी था, जब उन्होंने डॉक्टर को बुक किया हुआ था तो वो डॉक्टर बाहर क्यों चला गया। हम लोग देखते हैं ये लोग एक दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर एलिसन को अब बच्चा होने वाला था, और फाइनली एलिसन की जो डिलीवरी थी वो फाइनली एक अच्छी तरह से हो गई थी और उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि जो बेन है वो एलिसन को बताता है कि मैंने एक फ्लैट खरीद लिया और तुम मेरे साथ चल के रहो। ये बात सुनकर जो एलिसन होती है वो भी खुश हो जाती है और बेन से शादी कर लेती है, और ये लोग एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिताते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों ये तो थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को ये मूवी पूरी देखनी है तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा रिप्लाई में कि आपको ये मूवी किस वेबसाइट से मिलेगी या फिर किस ऐप से मिलेगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, यही मेरे लिए आप लोगों की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो फिर से कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ।